Hello friends, welcome back. Today we will learn about tourism. As we know that tourism is a part of tertiary activities. सबसे पहले हम देखते हैं tourism का meaning क्या होता है. Tourism is a travel for pleasure and business. कि human being या तो अपने enjoyment के लिए या अपने business के लिए जब traveling करता है तो उसको हम कहते हैं tourism. Tourism two types में होते हैं. तो मेनली जब भी हम टूरिज्म के टाइप्स देखते हैं तो हम उसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इसमें हमारा आता है डोमेस्टिक टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म, एंड सेकंड इंटरनेशनल टूरिज्म. डोमेस्टिक टूरिज्म व्हेन ए ट्रैवलर ट्रैवलिंग हिज ओन कंट्री, कि जब भी कोई ट्रैवलर अपने ही देश में ट्रैवलिंग करता है तो उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म, और जब वो किसी अदर कंट्री में करता है तो उसको कहेंगे हम इंटरनेशनल टूरिज्म. इन नाउ डेज टूरिज्म इज ग्रोइंग एट ए रैपिड पेस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट बिकेम्स द फर्स्ट लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटीज बिकॉज इट प्रोवाइड्स रजिस्टर्ड जॉब्स, कि जो जॉब्स प्रोवाइड करवा रहे हैं. क्यों, हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टर्शियरी एक्टिविटीज को हमने क्या माना था, सर्विस सेक्टर, कि जो सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं. तो टूरिज्म जो है वो रजिस्टर्ड जॉब्स यानी कि कार्य दिलवाता है, पंजीकृत जो कार्य होते हैं जॉब्स दिलवाते हैं वो कितनी है, 250 मिलियन जॉब. ठीक है, रजिस्टर्ड जॉब्स जो प्रोवाइड करवा रहे हैं टूरिज्म. साथ ही साथ हम इसमें क्या देखते हैं, जो सेकंड पॉइंट आता है इसका, कि जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, कि जो जीडीपी है यानी कि टर्शियरी एक्टिविटीज से जो जीडीपी अर्न की जाती है उसका 40% हमें किससे मिल रहा है, टूरिज्म से. तो इससे हम देख सकते हैं कि जो टूरिज्म है उसकी डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, डे बाय डे इसकी डिमांड भी ज़्यादा हो रही है. तो जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं या इस तरह के जब भी टॉपिक आते हैं कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें हम देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई, कि टूरिज्म को जो स्टार्ट किया वो किसने किया, तो वो नाम था थॉमस कुक, जिन्होंने टूरिज्म को स्टार्ट किया. तो थॉमस कुक को हम क्या कह सकते हैं, फादर ऑफ टूरिज्म. तो फादर ऑफ टूरिज्म हम किसको कहेंगे, थॉमस कुक. एंड थॉमस कुक आल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी, कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट की गई कब, 1860 में. वो भी किसने स्टार्ट की थी, थॉमस कुक ने. जब भी हम इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसीज की बात करते हैं तो इंडिया में भी ट्रैवल एजेंसी है जो थॉमस कुक के अकॉर्डिंग यानी कि स्टार्ट की गई थी, उसका नाम क्या आता है, TCIL, यानी कि हम इसको बता सकते हैं थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड. थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड यानी कि ये जो ट्रैवल एजेंसी थी इंडिया में एस्टेब्लिश की गई थी, और जो इसका जो पहला ऑफिस बना यानी कि हेड क्वार्टर जहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया वो कहाँ था, इन मुंबई. कब किया गया, इन 1881. तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे जो टूरिज्म से रिलेटेड थे. अभी हम रीजंस की बात करते, टूरिज्म रीजंस की, तो जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रीजन्स में आता है उसमें हमारा सबसे पहला आता है मेडिटेरियन रीजन्स, मेडिटेरियन कोस्ट इन यूरोप. कि मेडिटेरियन कोस्ट यानी कि भूमध्य सागर ये जो तट प्रदेश हैं वो यूरोप के वो एक टूरिस्ट रीजन्स में आते हैं, वर्ल्ड में सबसे फेमस हैं. सेकंड पॉइंट पे हम इसमें बताएंगे वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया, कि इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्ट हैं यानी कि जो पश्चिमी तटीय प्रदेश हैं वो किस में आते हैं, रीजन्स में. साथ ही साथ हम इसमें बता सकते हैं नेशनल पार्क्स,
लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क्स, तो वो भी क्या करते हैं, रीजन्स में आते हैं और जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। हिस्टोरिक टाउन्स बता सकते हैं हम इसमें, हिस्टोरिक टाउन्स में जैसे इवेंट्स हुए थे या कोई भी वॉर थे वो उनसे रिलेटेड जो भी टाउन्स होते हैं वहाँ पे भी पीपल क्या करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये रीजन्स में आते हैं। एक हम इसमें बता सकते हैं लैंडस्केप्स, लैंडस्केप्स यानी कि जो नेचर के बिल्कुल पास होते हैं, नेचुरल ब्यूटी जिनके पास होती है, जिसमें हम बता सकते हैं लेक्स, माउंटेन्स, सी कोस्ट, रिवर कोस्ट, इस टाइप के जो भी नेचर से कनेक्टेड जो एरियाज होते हैं यानी कि नेचुरल ब्यूटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, तो वो रीजन्स में आते हैं किसमें, टूरिस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड में। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे। ओके, फैक्टर्स, फैक्टर्स की जब भी हम बात करते हैं यानी कि वो कौन से कारक हैं जो टूरिज्म के लिए इफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट इसमें हमारा आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एक की है यानी कि फैक्टर्स जो भी होते हैं यानी कि इनके जब भी टूरिज्म की बात होती है उनके डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते, बेस पॉइंट का जो काम करते वो ट्रांसपोर्ट का होता है। क्यों? क्योंकि जब भी ट्रैवलिंग जो की जाती है वो ट्रांसपोर्ट पर ही डिपेंड होती है, तो ट्रांसपोर्ट जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा या डेवलप होगा टूरिज्म के लिए वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सेकेंड हमारे इसमें पॉइंट आता है डिमांड। डिमांड जैसे कि हम देखते हैं अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी डिमांड होती है, वैसे ही टूरिज्म में भी डिमांड होती है, जो किस पर डिपेंड करती है, फर्स्ट इसमें आए स्टैंडर्ड लिविंग। स्टैंडर्ड लिविंग यानी कि जो पहले भी हम बात करते हैं कि जीवन स्तर जिनका ज़्यादा अच्छा होगा वो डिमांड करेंगे किसकी, टूरिज्म की। ओके, सेकेंड हम इसमें बता सकते हैं इनक्रीज्ड लेजर टाइम। लेजर टाइम यानी कि जो फ्री टाइम होता है, फ्री टाइम जो मिलता है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी हो गई है, वो इंक्रीज हो गया है, वो भी क्या करता है, डिमांड करते हैं टूरिज्म की। थर्ड पॉइंट में हम इसमें बता सकते हैं हॉलीडेज पैकेज, हॉलीडेज पैकेज। हॉलीडेज पैकेज क्या है, जैसे हम बता सकते हैं फॉर एग्जाम्पल LTC, लिव ट्रैवल कंसेशन, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है LTC, और जो भी कंपनीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वो हॉलीडे पैकेज होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, यानी कि जो खर्चा आता है वो कम हो जाता है, उनका कुछ कंसेशन उनको मिल जाता है, तो ये भी क्या करता है, फैक्टर है जो इफेक्ट करता है किसको, टूरिज्म को। तो ये कुछ फैक्टर्स थे हमारे जो इफेक्ट करते हैं टूरिज्म को। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शंस की, टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तो फर्स्टली इसमें हमारा आता है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है वो फर्स्ट हमारा आएगा इसमें क्लाइमेट। क्लाइमेट को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, कोल्डर रीजन्स एंड वार्मर रीजन्स। यानी कि कोल्डर रीजन्स जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ का टेम्परेचर कम होता है, वार्मर रीजन्स जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो वो क्लाइमेट है वो टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। जब भी कोल्डर रीजन्स की बात करें, अगर हम एग्जांपल लें तो हम इसमें बता सकते हैं नॉर्दर्न यूरोप। नॉर्दर्न यूरोप से जो भी टूरिस्ट होंगे यानी कि वहाँ पे कोल्ड रीजन्स होते हैं, तो वो कहाँ पे जाएंगे, ये पॉपुलेशन ट्रैवल कहाँ पे करेंगे, वार्मर रीजन्स यानी कि मेडिटेरियन कोस्ट में। ओके, तो ये समझ आया कि क्लाइमेट भी क्या है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं कि जो कोल्डर रीजन्स में रहते हैं वो वार्मर रीजन्स में जाना पसंद करते हैं। इसके अपोजिट जो वार्मर रीजन्स यानी कि हम इसमें बता सकते हैं इंडिया के, अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, नॉर्दर्न प्लेन्स
सॉरी, नॉर्दर्न प्लेन्स या मेडाइवल जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे समर्स यानी कि जब समर्स का सीज़न होता है तो उसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर वो हाई हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये वार्मर रीजन्स यहाँ पे, ये ट्रैवल कहाँ पे करेंगे, कोल्डर रीजन्स यानी कि हिमालयन रीजन्स में जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे क्लाइमेट के टूरिस्ट अट्रैक्शंस की। जब भी हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा क्लाइमेट, और सेकंड पॉइंट इसमें आता है लैंडस्केप्स। लैंडस्केप, लैंडस्केप में हम देखते हैं कि जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं लैंडस्केप में क्या आते हैं, माउंटेन, सी कोस्ट, लेक्स, रिवर कोस्ट। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो उनके पास सबसे ज़्यादा होती है, और वो टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो वो हम लैंडस्केप में वो पॉइंट बता सकते हैं। साथ ही साथ जिन जैसे हम देखते हैं कि वर्ल्ड की जो ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं लाइक इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, इटली, वो भी क्या करती है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं अपनी ब्यूटी के कारण। सेकेंड पॉइंट हम इसमें बताएं, थर्ड पॉइंट होगा हमारे इसमें हिस्ट्री एंड आर्ट। हिस्ट्री एंड आर्ट, पीपल विजिट एंशियंट टाउन्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, कास्टल्स, चर्चेस, प्लेसेस। तो वो क्या है कि किसी भी टाउन या सिटी से कनेक्टेड जो हिस्ट्री है, उनसे रिलेटेड जो हिस्ट्री है, वो भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। आर्ट यानी कि वहाँ की कलाकृति भी क्या करती है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, केव्स ऑफ अजंता एंड अलोरा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे हिस्ट्री एंड आर्ट के। फोर्थ पॉइंट में हम इसमें बता सकते हैं कल्चर एंड इकोनॉमी। कल्चर यानी कि अट्रैक्ट्स दोज पीपल हु वांटेड टू नोइंग अबाउट द एथनिक। टू पॉइंट पे बात करेंगे हम इसमें, एथनिक्स एंड लोकल कस्टम, कि उन पीपल्स को अट्रैक्ट करते हैं, उन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं जो एथनिक्स यानी कि मानव जातियों के बारे में, लोकल कस्टम यानी कि किसी भी जो स्थानीय जो उनके रीति रिवाज उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो वो कल्चर वो भी क्या करें, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही हम देखते इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे, जैसे चीपर जो स्पॉट हैं, ओके, चीपर स्पॉट अट्रैक्ट टूरिस्ट। जैसे चीपर स्पॉट्स की जब भी हम बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा आज पॉपुलर हो रहे हैं, लाइक अगर एशिया की बात हम करते हैं तो उसमें हमारे आते हैं वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया, इंडिया, थाईलैंड, कि जो भी यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनकी इकोनॉमी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, यानी कि उनके जो स्पेंड है, कॉस्ट जो होती है यहाँ पे टूरिज्म की, वो कम होती है। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो मैक्सिको भी एक चीपर स्पोर्ट्स में ही आता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शन के, कि जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल टूरिज्म की। मेडिकल टूरिज्म मीन्स व्हेन टूरिस्ट ट्रैवलिंग एब्रोड टू ऑब्टेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज नोन एज मेडिकल टूरिज्म। कि जब हम इसमें टू पॉइंट देखते हैं, क्या क्या आते हैं इसमें हमारे, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटीज। ठीक है, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटीज जब एक साथ वर्क करती हैं, एक साथ होती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, मेडिकल टूरिज्म। ये क्यों किया जाता है, यानी कि कोई भी जो पेशेंट होता है, जब उसका इलाज उसके देश में संभव नहीं होता, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ उसको नहीं मिल पाती, तो वो अपने इलाज के लिए किसी दूसरे देश में चला जाता है, उसको हम कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। ये डिजीज़ के लिए भी हो सकता है, जैसे कैंसर के लिए। हम देखते हैं कि यूएसए और इंग्लैंड में जो फिल्म स्टार्स हैं बॉलीवुड के, वो भी बहुत बार जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसमें देखते हैं कि जैसे सर्जरीज होती हैं, इलेक्टिव कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, और जो डेंटिस्ट होते हैं, या फिर हम इसमें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, कार्डियोलॉजिकल सर्जरीज के लिए, जब पेशेंट मूवमेंट करता है यानी कि दूसरे देश में जाता है, उसको हम कहते हैं मेडिकल टूरिज्म।
ओके, ये हमने किया टूरिज्म एंड मेडिकल टूरिज्म। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि अब जो टाइम पीरियड चल रहा है यानी COVID-19 के चलते जो सेक्टर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है वो भी टूरिज्म सेक्टर ही है। उसको हम कुछ फैक्ट्स हैं जो कि रिपोर्ट दी किसने, अंकटाड ने जो रिपोर्ट प्रोवाइड की कब, 1 जुलाई। उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो इकोनॉमिकली लॉस हुआ ग्लोबल लेवल पे, जो टूरिज्म सेक्टर का इकोनॉमिकल लॉस हुआ उसको हम कितना बता सकते हैं, 1.2 ट्रिलियन डॉलर। ग्लोबल जीडीपी की बात करते हैं, ग्लोबल जीडीपी में जो लॉस हुआ है वो कितना है, 1.5%। ठीक है, ये तो है हमारे ग्लोबल लेवल पे जीडीपी और ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिकली जो लॉस हुआ है वो। साथ ही साथ अगर हम इसमें करते हैं बात करें इंडियन जीडीपी की, तो वो आती है हमारी 28,120 मिलियन डॉलर। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि रिपोर्ट दी थी अंकटाड ने 1 जुलाई को, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाले हैं। ओके, साथ ही साथ हम इसमें क्या बताते हैं कि टूरिज्म को इफ़ेक्ट कैसे किया COVID-19 ने। जैसे हमने फर्स्टली बात की थी कि टूरिज्म है वो एक ब्रॉड लेवल पे जॉब्स प्रोवाइड करवाता है पॉपुलेशन को, लेकिन जो लॉस हुआ जॉब्स का, जॉब्स लॉस हम इसको कह सकते हैं, वो भी कितना हुआ, 174 मिलियन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जो शो करते हैं कि टूरिज्म को COVID-19 ने कैसे इफ़ेक्ट किया। अगर हम कॉन्क्लूज़न निकालें इन सभी पॉइंट्स को देखकर, कॉन्क्लूज़न जब हम निकालते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो कितना हो गया 20 ईयर्स बैक, यानी कि 20 साल पीछे चला गया है COVID-19 के चलते। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म और साथ ही साथ COVID-19 ने जो टूरिज्म सेक्टर को कैसे इफ़ेक्ट किया वो डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो देखिए, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू।